कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम विगत 7 वर्षों से संस्कार शास्त्री पत्रिका को निरंतर बिना किसी बाधा के इसको प्रकाशित कर रहे हैं और उसमें आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मार्गदर्शन भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं सहयोग भी मिला। तो लेकिन आवश्यकता यह है कि हमें ये देखना है बिजनेस सफल कितने हो पाए, तो वो अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत है और जागरूकता की जरूरत है। हम 7 सालों से हमारी स्वच्छता साथी पत्रिका चल रही है और 8 वर्ष मतलब 7 महीने हो चुके हैं, 8 वर्ष से चल रहा है। दूसरा हमने संस्था से प्रश्न 2012 में गठित किया, उसको भी 7 वर्ष वो ले जा रहे हैं। तो उसका भी उद्देश्य यही है जो पत्रकार का उद्देश्य है, जो पत्रकार के जो मूल सिद्धांत है वही हमारे इस प्रश्न में, क्योंकि आज हम देखने में आता है देश के अंदर संस्कारों के नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। आपका संस्कार चैनल है, आपका सारथी चैनल भी है, इस नाम से दो अलग अलग बड़े प्लेटफॉर्म है, दो अलग अलग बड़े चैनल है, लेकिन वो बात नहीं कह पा रहे जिसकी आवश्यकता है संस्कारों की सुरक्षा के लिए। तो हमारे पास एक बहुत छोटा मंच है, हमारा मंच बहुत छोटा है, हमारे पास जो ऊपर साधन नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रयास करते हैं आप लोगों के मार्गदर्शन में आशीर्वाद से कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए सनातन संस्कारों की सुरक्षा करें, उन्हें स्थापित करें और पश्चिमी संस्कृति संस्कारों का हम विरोध करें, पुनर्विरोध करें, तभी हम अपने संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने संस्कारों को बचा सकते हैं। और मेरा सबसे ज्यादा बड़ा जो ध्यान उस तरफ जाता है कि हालांकि मैं राजनीति तौर पर बात नहीं करूंगा और राजनीति मैं करना नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रनीति जरूरी है, राष्ट्र के हित में जो बात है वो कहना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ इस मंच से कि देश में बहुत सारे सब अनुमान मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबके साथ समान न्याय की व्यवस्था करें, जब भी कोई शपथ ग्रहण करता है तो वो भी कहता हूँ सबके साथ समान न्याय करूंगा, लेकिन जब बात समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है तो समान पीछे क्या हो जाता है। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक समान नागरिकता लागू करनी चाहिए, ये सभी का संविधान बताती है, ये धर्म संगत भी है, न्याय संगत भी है, अगर इसमें कोई कमी है तो कोई मुझे बताए इसमें आप इसलिए लेकर आ सकते। तो ये हमारी आवश्यकता है और इस निवेदन के साथ में अपनी आपके बात को आगे बढ़ाते कहूँगा, ज्यादा समय लेने के लिए कोई पब्लिक दीदी जी आ गई है, हमारे बहुत मेहरबान लोग आ रहे हैं और राजेंद्र सोनी जी भी आ चुके हैं। तो मैं दूसरी बात प्रश्न मेरा मूल उद्देश्य यह है कि अपने विरासत संस्कारों को और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमें ये महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना चाहिए और इस संदर्भ में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा मई जी, कुछ कदम चलो तो सही बहनी, कुछ कदम चलो तो सही रास्ता बन जाएगा, कुछ कदम चलो तो सही रास्ता बन जाएगा, जो राह का पत्थर है वही मील का बन जाएगा, कुछ कदम चलो तो सही रास्ता बन जाएगा, जो राह का पत्थर है वही मील का बन जाएगा, झूठ के मुसाफिर दूर तक जाते नहीं, झूठ की राह के मुसाफिर दूर तक जाते नहीं, सच की राह में चलते चलते कारवां बन जाएगा, कारवां बन जाएगा, कारवां बन जाएगा। मेरे प्रयास है उस कारवां को बनाने के प्रयास में जुटता रहता हूँ कि न से कदम मैंने खुद के दो पंक्तियां चाहूंगा बहनी, कि न से कदम मैंने खुद के बनाए हैं इसलिए, न से कदम मैंने खुद के बनाए हैं इसलिए, चलकर एक बार मंजिल पे कोई तो जा सके, मैं जा रहा हूं ना जा रहा हूं रास्ता पाया चल कर जाने की कोशिश कर रहा हूं जिस पर तू सब चलता कर उस तक पहुंच गए। ये मेरा निवेदन है यहाँ पर संस्कारों के विषय में और दो शब्द में अपने परम आदरणीय पिताजी के बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जीवन भर संगीत के क्षेत्र में निःशुल्क साधना की, उनके करीब 100 से 150 थे और प्रतिदिन कहना चाहूंगा उनका राजा अबालक से सूरज बाजी उन्होंने उन्हें संगीत शिरोमणि के संबंधित समर्थन भी किया विमुक्त किया था और कभी भी उन्होंने संगीत का कोई पैसा नहीं दिया, सौ सौ प्रसिद्ध थे तो उन्होंने संगीत की साधना को किया है
और इस संदर्भ में मेरे से बेहतर जब समय आएगा तो ये महामंडल गौतम जी है वो आपको बताएंगे थोड़ा संगीत का उनका बहुत समर्पित जीवन रहा। तो उनके जीवन पे संगीत के प्रति समर्पण के लिए उनकी स्मृति में 5 वर्ष से हमने एक संगीत श्रोमणी रामचंद्र प्रभा स्मृति सभा शुरू किया है। उसमें हर वर्ष 2 या 4 जितने भी संगीतज्ञ हैं उनको हम सम्मानित करते हैं और मैं चाहता हूँ उनके उस विलक्षण कार्य के लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में सार्थकता है। मेरे जीवन की कोई ऐसी कोई मूर्ति है कोई कृपा है उनकी मैं इस कार्य को कुछ कर पा रहा हूँ और इसी के लिए मैं माता पिता से एक बार मुखातिब होऊंगा। आगे कार्रवाई के लिए मैं मंत्री को हम